वेलकम प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपनी एक और नई वीडियो में। आज इस वीडियो में बेटा हम कक्षा 6 का पाठ नंबर 15 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है नौकर। क्या नाम है? नौकर। अच्छा, जैसे ये ऊपर भी आपको दिख रहा है अध्याय नंबर 15, और 15 अध्याय का नाम है बच्चों नौकर। अब देखो, नौकर से जैसे कि नाम से ही पता चलता है, नौकर कौन होता है? जो किसी के घर किसी का काम करने के लिए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? नौकर। चलिए बच्चों, इस पाठ के बारे में हम पढ़ते हैं और जानते हैं कि हमें इसमें क्या बताया गया है। सबसे पहले हम जानेंगे कि इस पाठ के लेखिका या फिर लेखक कौन है। इस पाठ की है लेखिका कौन है? अनु बंदोपाध्याय। इस पाठ को किसने लिखा है? अनु बंदोपाध्याय ने लिखा है। चलिए बच्चों पढ़ते हैं और जानते हैं कि इस पाठ में हमें क्या बताया गया है, क्या समझाया गया है। चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तुत निबंध में, यानी कि जो इस पाठ में, इस निबंध में, प्रस्तुत निबंध में लेखिका ने महात्मा गांधी के सिद्धांतों का वर्णन किया है। देखो बच्चों, इसमें वो लेखिका है जो हमें क्या बता रही है कि इसमें लेखिका ने जो हमारे महात्मा गांधी हैं उनके सिद्धांतों के बारे में, जो उनके नियम थे, कायदे कानून थे, उनके जो सिद्धांत थे, उन सभी के बारे में हमें बताया गया। प्रस्तुत पाठ में, यानी कि प्रस्तुत पाठ में, प्रस्तुत निबंध में लेखिका बताती है, यानी कि लेखिका हमें कह रही है कि आम तौर पर नौकर चाकर द्वारा किए जाने वाले काम गांधी जी स्वयं ही किया करते थे। देखो बच्चों, इस पाठ में जो हमारी लेखिका है वो हमें क्या बता रही है कि जो आम तौर पर, यानी कि हमेशा नौकर चाकर द्वारा, यानी कि जिन कामों को नौकर वगैरह करते थे, उन कामों को गांधी जी स्वयं ही कर लिया करते थे। वो इस बात में शर्म नहीं मानते थे कि मैं ये काम नौकर करेंगे या फिर मैं करूंगा। जो काम नौकर जाकर भी करते थे उसी काम को महात्मा गांधी जी भी कर लेते थे। गांधी जी किसी भी कार्य को करने में झिझकते नहीं थे। देखो बच्चों, इसमें लेखिका ने बताया है कि जो हमारे गांधी जी हैं, महात्मा गांधी जी हैं, वो किसी भी काम को, चाहे वो काम छोटा है चाहे वो काम बड़ा है, तो किसी भी काम को करने में शर्माते नहीं थे, झिझक महसूस नहीं करते थे। उन्हें किसी भी काम को करने में किसी प्रकार की कोई भी शर्मिंदगी महसूस नहीं होती थी, बल्कि दूसरों को भी अपने हाथ से कार्य करने के लिए प्रेरित करते थे। वो खुद तो काम करते ही थे, लेकिन वो दूसरों को भी यही कहते थे कि तुम्हें अपना काम खुद करना चाहिए, दूसरों से अपना काम नहीं करवाना चाहिए। बल्कि वो तो दूसरों को भी यही सलाह देते थे, यही बताते कि तुम्हें भी खुद अपने हाथ से काम करना चाहिए, दूसरे के ऊपर या फिर किसी नौकर चाकर के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। आगे चलते हैं बच्चों। गांधी जिस समय बैरिस्ट्री से हजारों रुपए कमाते थे, तब भी प्रतिदिन अपने ही हाथ से आटे चक्की से आटा पीसते। देखो बच्चे, गांधी जी हैं जो हमारे महात्मा गांधी हैं, जिस समय वो बैरिस्ट्री से, यानी कि जहां पर वो काम करते थे वहां पर हजारों रुपए कमाते थे, पर उसके बाद उन्हें इस चीज का घमंड नहीं था कि मैं इतने पैसे कमाता हूँ, मैं ये करता हूँ तो मैं किसी नौकर चाकर को लगा लूं, उसे काम करवा लूं। लेकिन उसके बाद भी वो रोज अब क्या करते थे, अपने ही हाथ से, यानी कि खुद अपने हाथ से चक्की से आटा पीसते थे। यानी कि जो चक्की है हमारी, जिससे हम आटा पीसते हैं ना बच्चे, उसमें गेहूं डालकर फिर उसका आटा बनाते हैं, तो वो चक्की से आटे को खुद ही पीसते थे। एक बार कॉलेज के कुछ छात्र, यानी कि उनसे मिलने आए और उनसे कुछ सेवा के विषय में कहने लगे। गांधी जी ने उन छात्रों को गेहूं साफ करने दिए। वे एक घंटे में ही थके और गांधी जी से विदा लेकर चल दिए। देखो बच्चों, इसमें लेखिका ने हमें बताया कि एक बार कॉलेज के कुछ बच्चे, यानी कि छात्र हैं, कुछ विद्यार्थी, कुछ बच्चे उनसे मिलने, यानी कि गांधी जी से मिलने आए और उनसे कुछ विषय में, कुछ सेवा के विषय में कहने लगे। और उन बच्चों ने गांधी जी से कहा कि हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं।
तो गांधी जी ने उन बच्चों को, उन छात्रों को या फिर उन विद्यार्थियों को गेहूं साफ करने को दे दिए कि तुम ये गेहूं साफ कर दो। और वो बच्चे यानी कि वो छात्र एक ही घंटे में थक गए और गांधी जी से विदा लेकर यानी कि जाने की पूछ कर कि हम जा सकते हैं, जाने की परमिशन लेकर वहां से चले गए, विदा लेकर चले गए। आगे चलते हैं बच्चों। गांधी जी ने कुछ वर्षों तक आश्रम के भंडार का भी काम भी संभाला। आश्रम के भंडारे का काम भी संभाला, ऐसे आएगा बच्चों। गांधी जी ने कुछ वर्षों तक आश्रम के भंडारे का काम भी संभाला। उन्हें सब्जी फल और अनाज के पौष्टिक गुणों का ज्ञान था। गांधी जी आश्रम वासियों को स्वयं भोजन परोसते थे। गांधी जी के परोसने के कारण सभी को बेस्वाद उबली हुई सब्जियां बिना किसी शिकायत के खानी पड़ती थी। गांधी जी को चमकते हुए बर्तन पसंद थे। देखो बच्चों, गांधी जी ने कुछ वर्षों तक यानी कि गांधी जी ने कई वर्षों तक, कुछ सालों तक जो आश्रम का भंडारा होता है यानी कि जहाँ खाना वगैरह बनता है, यानी कि जो हम रसोई कह सकते हैं, जहाँ हमें अपना भंडार का अनाज है, फल है और सब्जियां हैं, चावल है, जहाँ हम इन सभी चीजों को इकट्ठा करके रखते हैं, यानी कि रसोई भी कह सकते हैं हम, भंडार घर वही होता है बच्चे जिसको हम रसोई बोलते हैं, यानी कि भंडार का काम भी संभाला था, रसोई का काम भी संभाला था। उन्हें जो हमारी सब्जी है, फल है और अनाज के जो पौष्टिक गुणों का ज्ञान था, यानी कि उन्हें इन सभी चीजों के बारे में ज्ञान था, उन्हें इन सभी चीजों का पता था कि कौन सी सब्जी में कौन सा प्रोटीन है, कौन से विटामिन है, किस समय हमें कौन से फल खाने चाहिए, यह अनाज में क्या गुण है, इस अनाज में क्या नहीं है, उन सभी के उनके पौष्टिक गुणों के बारे में ज्ञान था। वे सभी की सेहत के हिसाब से फल सब्जियां और अनाज को बनवाती थी। गांधी जी आश्रम वासियों को स्वयं भोजन परोसते थे, यानी कि जो गांधी जी हैं आश्रम वासी, यानी कि जो आश्रम में रहने वाले लोग हैं, जो आश्रम में लोग रहते थे, उन सभी को स्वयं भोजन पहन के उन सभी को अपने हाथों से खाना डालकर देते थे। भोजन परोसते हैं का मतलब बच्चों अपने हाथों से खाना डालकर देते थे। गांधी जी के परोसने के कारण सभी को बेस्वाद उबली हुई सब्जियां बिना किसी शिकायत के खानी पड़ती, यानी कि जब गांधी जी सभी को खाना परोसते थे, चाहे वो सब्जी उसने स्वाद लगे या फिर ना लगे, क्योंकि उस सब्जियों को उबल उबाल कर एक साधारण तरीके से बनाते थे। उबली हुई जो सब्जियां थी वो भले ही वो बेस्वाद होती थी, लेकिन उन सभी को यानी कि आश्रम वासियों को बिना किसी शिकायत के खानी पड़ती थी। और जो गांधी जी को है चमकते हुए बर्तन बहुत पसंद है, यानी कि उन्हें गंदे बर्तन यानी कि इधर वाले एक बर्तन में कुछ बना के दूसरे बर्तन में वही चीज बना दी, ऐसे नहीं, उन्हें बिल्कुल साफ और चमकते हुए बर्तन पसंद थे। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। आश्रम में चक्की पीसने और कुएं से पानी निकालने का काम रोज करते थे। देखो बच्चों, आश्रम में चक्की पीसने यानी कि चक्की पीसने नहीं बच्चों, गेहूं पीसने यानी कि चक्की चलाना हो सकता है, चक्की चलाने यानी कि गेहूं पीसने और कुएं से पानी निकालने का काम गांधी जी रोज करते, यानी कि वो क्या करते थे, आटा पीस देते थे और कुएं से पानी निकालना होता था, तो ये काम गांधी जी है वो रोज करते थे। यह पसंद नहीं था कि तब तक शरीर में लाचारी न हो तब तक कोई उनका काम करे, यानी कि गांधी जी को ये सब पसंद नहीं थी। गांधी जी के ठीक ठाक होते हुए भी अगर उनके शरीर में कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें कोई बीमारी नहीं है, फिर भी उनका काम कोई और करे, वह अपना काम खुद करना चाहते थे, वह अपना सारा काम अपने हाथों से करते थे।
उनमें हर प्रकार का कार्य करने की अद्भुत क्षमता थी। देखो बच्चों, गांधी जी में हर तरह का कार्य करने की क्षमता थी, यानी उनके हर तरह का काम उन्हें करना आता था। वो भंडार घर का भी काम कर लेते थे, वो आटा भी पीस लेते थे, पानी भी निकाल लेते थे, सफाई भी कर लेते थे, तो उन्हें हर तरह का काम करना आता था। हर तरह के काम करने की अद्भुत क्षमता थी। दक्षिण अफ्रीका में बोर युद्ध के दौरान उन्होंने घायलों को स्ट्रेचर पर लाद कर 25-25 मील तक ढोया। देखो बच्चों, दक्षिण अफ्रीका में जब बोर युद्ध हुआ था, उस समय उन्होंने जो घायल लोग थे, जिन्हें जो घायल हो गए थे, यानी कि जिन्हें चोटें लगी थी, स्ट्रेचर पर लाद गए। स्ट्रेचर होता है बच्चों, आप सभी ने देखा होगा, जो हॉस्पिटल में जाते हैं ना, जिसके नीचे पहिए लगे होते, एक पतला सा छोटा सा बेड होता है, उस पर पहिए लगे होते, जिस पर हम किसी पेशेंट को, यानी कि मरीज को लेटा कर ले जाते, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेचर। यानी कि स्ट्रेचर पर लाद कर, यानी कि स्ट्रेचर पर रख कर, लेटा कर 25-25 मील तक, यानी कि 25 किलोमीटर तक उन्होंने अकेले ही, यानी कि 25 किलोमीटर, अस्पताल होगा या कुछ भी होगा बच्चों, वहां पर उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में बोयर युद्ध के समय घायल लोगों को, यानी कि जिन्हें चोटें वगैरह लगी थी, उनको स्ट्रक्चर पर लाद कर, स्ट्रक्चर पर लेटा कर 25 मील तक ढोया। एक बार किसी तालाब में भराई का काम चल रहा था, जब वे लौट कर आए तो उन्होंने देखा कि गांधी जी उनके लिए नाश्ते के लिए फल आदि तैयार करके खड़े रखे हुए हैं। देखो बच्चों, एक बार किसी तालाब में भराई का काम चला, यानी कि तालाब में, जो तालाब होता है उसमें कुछ काम चल रहा था, तो उसको साफ करके पानी भर रहे थे, या फिर कुछ उसमें भराई का काम चल रहा था। जब वे लौट कर आए, यानी कि जो तालाब में काम कर रहे थे, वो काम तालाब में काम करने वाले लोग लौट कर वापिस आए, तो उन्होंने देखा कि गांधी जी ने उनके लिए नाश्ते में फल आदि तैयार करके रखे हुए थे। क्योंकि गांधी जी ने ये सोचा होगा कि वो लोग सुबह से काम करने गए हैं, उन्हें भूख तो लगी होगी, वो लोग तब तक तालाब में भराई करके वापिस आए, तो गांधी जी ने उनके लिए फल आदि नाश्ता तैयार करके रखा हुआ था। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। एक बार गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों की मांग को लेकर लंदन गए। वहां के भारतीय छात्रों ने उन्हें शाकाहारी भोजन के लिए आमंत्रित किया। वे लोग स्वयं उनके लिए भोजन बनाने लगे। तीसरे पहर तक दुबला पतला व्यक्ति भी उनमें शामिल होकर काम करने लगा। बाद में छात्रों को पता चला कि वह दुबला पतला व्यक्ति और कोई नहीं, गांधी जी ही थे। देखो बच्चे, एक बार जो गांधी जी है, जो दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों की माए, जो दक्षिण अफ्रीका में भारतीय रह रहे हैं, उनकी मांग को लेकर, यानी कि लंदन गए, यानी कि वो क्या किया, लंदन चले गए। और वहां के भारतीय छात्र, यानी कि वहां पर जो उनके भारतीय छात्र रहते हैं, यानी कि जो वहां पर भारत के छात्र रहते हैं, उन्होंने शाकाहारी भोजन, यानी कि गांधी जी को शाकाहारी भोजन पर बुलाया कि गांधी जी हमारे पास आएंगे और हम उन्हें शाकाहारी भोजन कराएंगे। वे लोग स्वयं, यानी कि वे जो छात्र थे, स्वयं उनके अपने हाथों से उनके लिए भोजन बनाने लगे। जो है उन्होंने क्या किया, उन छात्रों ने स्वयं अपने हाथों से गांधी जी के लिए भोजन बनाने लगे। तीसरे पहर तक, यानी कि तब तक खाना बनकर पूरा नहीं हुआ था, थोड़े ही समय के बाद दुबला पतला व्यक्ति भी उनमें आ गया, यानी कि छात्रों ने देखा कोई एक दुबला पतला सा आदमी उनमें आकर शामिल हो गया, यानी कि उनके लिए साथ मिलकर खाना बनाने लगा। छात्रों को पहले तो पता नहीं था, लेकिन उन्हें बाद में पता लगा था कि जो दुबला पतला व्यक्ति है, जो हमारे साथ खाना बनाने में हमारी मदद कर रहा था, वो कोई और नहीं, स्वयं गांधी जी ही थे। कौन थे, स्वयं गांधी जी ही थे। आगे चलते हैं बच्चों। काम के मामले में गांधी जी बहुत सख्त थे। काम के मामले में जो हमारे गांधी जी हैं, वो बहुत सख्त थे, परंतु अपना काम
किसी और से करवाना उन्हें ना पसंद था। जो अपना काम है उन्हें किसी और से करवाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। देखो जो काम है बच्चों, काम के मामले में जो गांधी जी है वो बहुत सख्त रहते थे, यानी कि काम के मामले में वो कोई भी लापरवाही कोई भी ढील नहीं बरतते थे। अपना काम वे अपने आप करना चाहते थे, अगर कोई उनका काम करे उनकी मदद करे ये उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो अपना निजी काम यानी कि अपना पर्सनल काम अपने आप ही करना चाहते थे। एक दिन राजनैतिक सम्मेलन से रात 10 बजे लौटकर भी वह अपना कमरा साफ करने लगे। देखो बच्चों एक दिन जो राजनीतिक सम्मेलन था उसमें गांधी जी गए थे और वहां से वो रात को 10 बजे लौटकर वापिस आए और आने इतनी रात को आने के बाद भी उन्होंने अपना कमरा खुद ही साफ करने लगे। गांधी जी को बच्चों से बहुत अधिक प्यार था, यानी कि वो बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करते थे उन्हें, यानी कि ये नहीं कि वो अपने बच्चों से, वो सभी बच्चों से यानी कि जो भी बच्चे होते हैं उन सभी से क्या करते थे, अधिक प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे। उनका मानना था यानी कि गांधी जी यह मानते थे कि बच्चों के विकास के लिए माता पिता का प्यार और उनकी देखभाल अनिवार्य है। यानी कि गांधी जी यह सोचते थे, गांधी जी यह मानते थे कि बच्चों के विकास के लिए यानी कि बच्चों को बड़ा करने के लिए उन्हें जीवन में आगे बढ़ाने के लिए माता पिता का प्यार और माता पिता की देखभाल उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी कि तब तक कोई भी माता पिता अपने बच्चे का खुद से उन्हें अच्छे से प्यार नहीं देंगे, उनकी देखभाल नहीं करेंगे तो उस बच्चे की परवरिश अच्छी नहीं होगी। अफ्रीका में जेल से छूटने के बाद उन्होंने देखा कि उनके मित्र की पत्नी बहुत ही कमजोर और दुबली हो गई थी। देखो बच्चों अफ्रीका में जब गांधी जी अफ्रीका की जेल में बंद थे तो जेल से छूटने के बाद उन्होंने यह देखा कि जो उनका मित्र है उसकी पत्नी है वो बहुत ही कमजोर और दुबली हो गई थी, क्योंकि बहुत प्रयत्नों के बाद भी उनका बालक उनका दूध पीना नहीं छोड़ रहा था। यानी कि जो उनके मित्र की पत्नी थी उनका जो एक बच्चा था वो अभी भी अपनी माँ का ही दूध पी रहा था और उन्होंने बहुत प्रयत्नों के बाद बहुत कोशिशों के बाद भी उन्होंने अपनी माँ का दूध पीना नहीं छोड़ा था। गांधी जी ने एक महीने तक उस बच्चे को अपने पास सुलाया, यानी कि गांधी जी ने कहा कि इस बच्चे को मुझे दे दो एक महीने के लिए और मैं इसकी ये आदत छुड़वा दूंगा। तो गांधी जी ने एक महीने तक उस बच्चे को अपने पास सुलाया। रात के लिए वे अपनी चारपाई के पास पानी रखकर सोते थे और इस प्रकार से उन्होंने बच्चे का दूध पीना छुड़वा दिया। और जो रात के लिए यानी कि रात के समय वो अपनी चारपाई के पास पानी रखकर सोते थे, अगर बच्चा रात को रोएगा तो वो क्या करते थे उसे पानी पिलाते थे। तो इस प्रकार से उन्होंने बच्चे का दूध यानी कि बच्चे की जो बच्चा अपनी माँ का दूध पीता था वो दूध उन्होंने पीना छुड़वा दिया था। आगे चलते हैं बच्चों। गांधी जी सदैव अपने से बड़ों का आदर करते थे, यानी कि जो गांधी जी है वो हमेशा क्या करते उनसे बड़े होते थे, उनका बहुत ही आदर करते थे, उनका बहुत ही मान करते थे। दक्षिण अफ्रीका में जब गोखले जी गांधी जी के साथ ठहरे थे तब गांधी जी स्वयं ही उनके सारे कार्य करते थे। देखो बच्चों जब दक्षिण अफ्रीका में गोखले जी गांधी के साथ रह रही थी, कौन? गोखले जी महात्मा गांधी जी के साथ रह रहे थे तब गांधी जी स्वयं ही यानी कि अपने आप ही गोखले जी का सारा काम खुद करते थे। वो अपना काम भी करते थे और गोखले जी का भी सारा काम खुद ही करते थे। आश्रम में यदि किसी को रखने की आवश्यकता होती तो वे किसी हरिजन को रखने का ही आग्रह करते थे, यानी कि अगर आश्रम में किसी को अगर रखना था तो वो किसको रखने की अनुमति देते थे, किसी हरिजन को रखने का ही अनुमति देते थे, आग्रह करते थे। उनके अनुसार नौकरों को हमें वेतन भोगी मजदूर न समझकर अपने भाई समान समझना चाहिए। और गांधी जी ये सोचते थे, गांधी जी के अनुसार
जो नौकर हैं उन्हें हमें सिर्फ एक वेतन भोगी मजदूर, यानी कि उन्हें हमें सिर्फ ये नहीं समझना चाहिए कि हम इनको पैसे दे रहे हैं, वो हमारा काम कर रहे हैं, यानी कि वो सिर्फ हमारे एक लिए नौकर हैं। वो उन्हें हमें उन्हें नौकर नहीं समझकर बल्कि अपना भाई के समान समझना चाहिए। उनके साथ प्यार प्रेम से ही रहना चाहिए, उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तो सिर्फ एक काम करने वाला, हमें इसने पैसे देने और ये हमारा काम करेगा, ऐसे नहीं। हमें उसे अपना भाई समझकर ही उसके साथ उसे काम करवाना चाहिए। इसमें कुछ कठिनाइयां हो सकती हैं, लेकिन इसमें क्या हो सकता है, कुछ कठिनाइयां भी हो सकती हैं, कुछ चोरियां भी हो सकती हैं, फिर कोशिश बेकार नहीं जाएगी। उसने गांधी क्या कहा, लेकिन अगर ऐसा हम करेंगे, अगर ऐसा हम कर तो लेते हैं, किसी पर भी हम भरोसा कर लेते हैं, उसे हम अपने भाई के समान समझते हैं, तो ऐसा करने से वो हमें हानि पहुंचा सकता है, यानी कि इसमें कुछ कठिनाइयां हो सकती हैं, और हो सकता है वो हमारे घर से चोरी भी कर ले, तो कुछ चोरियां भी हो सकती हैं, फिर कोशिश बेकार नहीं जाएगी। तो आप उस पर उसके साथ दुर्व्यवहार ना करके इस प्रकार की कोशिश तो करनी चाहिए कि हम उसे अपना भाई समझते हैं। इंग्लैंड में गांधी जी ने देखा कि ऊंचे घरानों में घरेलू नौकरों को परिवारों के आदमी की तरह रखा जाता है। देखो बच्चों, अब गांधी जी ने वो बता रहे हैं कि उन्होंने इंग्लैंड में यह देखा कि ऊंचे घरानों में, यानी कि जो अमीर लोग होते हैं, ऊंचे घरानों में, ऊंचे घराने होते हैं, उनमें जो उनके घरेलू नौकर होते हैं, यानी कि जो सदियों से नौकर चलते आ रहे हैं, जैसे कि हमने मूवीज में भी देखते हैं ना बच्चा, फिल्मों में, कि हमारा खानदानी नौकर है, खानदानी ड्राइवर है, पहले उसका बाप होता है, फिर उसका बच्चा काम करता है, फिर उसका बच्चा आगे काम करता है, तो वो हमारे क्या हो जाते हैं, खानदानी नौकर, यानी कि वो हमारे घरेलू नौकर ही हो जाते हैं। यानी कि जो हमारे घरेलू नौकर होते हैं उनके साथ जो परिवार के आदमियों की तरह ही व्यवहार किया जाता है, उनको उनके साथ नौकरों जैसा व्यवहार नहीं किया जाता। ठीक है बच्चों, यहीं पे हमारा ये पाठ समाप्त होता है। एक बार फिर से अगर हम रिवाइज करेंगे तो हम अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए बच्चों, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे जो ये हमारा निबंध है वो किसने लिखा है, अनुबंधोपाध्याय ने लिखा। प्रस्तुत निबंध में लेखिका ने महात्मा गांधी के सिद्धांतों का वर्णन किया गया, यानी कि महात्मा गांधी के सिद्धांतों के बारे में बताया है। प्रस्तुत पाठ में लेखिका हमें बताती है कि आमतौर पर नौकर चाकरों द्वारा जो किए काम होते हैं वो गांधी जी स्वयं ही करते हैं, और गांधी जी किसी भी कार्यों को करने में किसी भी प्रकार की शर्मिंदगी महसूस नहीं करते हैं, बल्कि दूसरों को भी यही सलाह देते हैं, दूसरों को भी यही बोलते हैं कि तुम्हें अपने काम खुद अपने हाथ से करने चाहिए। चले बच्चों आगे चलते हैं। गांधी जी जिस समय बैरिस्ट्री से हजारों रुपए कमाते थे, यानी कि जब वो हजारों रुपए कमाते थे, तब भी वो प्रतिदिन अपने ही हाथ से चक्की से आटा पीसते थे, और एक बार कॉलेज के कुछ छात्र उनसे मिलने आ गए और उनसे कहने लगे कि हम क्या हम आपकी कोई सहायता कर सकते हैं, क्या हम आपकी कोई सेवा कर सकते हैं। तो गांधी जी ने उन छात्रों को गेहूं साफ करने को दे दिए और जो छात्र वो 1 घंटे में थक कर वहां से चले गए। गांधी जी ने कुछ वर्षों तक, यानी कि कई सालों तक तो आश्रम के भंडारे घर का भी काम संभाला, उन्हें फल सब्जियां अनाज में जो भी उनके गुण हैं, जो भी उनके अच्छाई है, उन सभी के बारे में, उनके पौष्टिक तत्वों के बारे में पता था। और गांधी जी आश्रम वासियों को खाना अपने हाथ से ही परोसते थे, भले ही आश्रम वासियों को उनका खाना बेस्वाद लगता था, पसंद नहीं आता था, फिर भी वो चुपचाप उनके खाने को खा लेते थे, कोई भी शिकायत नहीं करते थे। पर गांधी जी को चमकते हुए बर्तन बहुत पसंद थे। चलिए बच्चों, चक्की में आटा पीसने और कुएं से पानी निकालने का काम है जो रा गांधी जी स्वयं रोज करते थे। उन्हें यह नहीं पसंद था कि तब तक वो ठीक हैं, स्वस्थ हैं, उनके शरीर में कोई भी बीमारी नहीं है तो कोई दूसरा उनका काम करे। उनमें हर प्रकार का कार्य करने की क्षमता थी। दक्षिणी अफ्रीका में जब बोहर युद्ध हुआ था उस समय उन्होंने घायल लोगों को 25 मील तक स्ट्रेक्चर पर लाद कर ले गए थे। एक बार फिर किसी तालाब में जब काम चल रहा था, उसकी भराई हो रही थी, तो गांधी जी ने देखा और उनके लिए, उन सभी लोगों के लिए नाश्ते की तैयारी कर दी थी।
एक बार गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों की मांग को लेकर लंदन तो चले गए, और वहां जाकर कुछ विद्यार्थियों ने गांधी जी को बुलाया शाकाहारी भोजन के लिए, और वे स्वयं अपने हाथों से ही गांधी जी के लिए भोजन बना रहे थे। और इतने में ही उन छात्रों ने देखा कि उनके साथ कोई दुबला पतला सा आदमी आकर उनकी मदद कर रहा है, लेकिन उन बच्चों को बाद में पता चला कि वो दुबला पतला आदमी कोई और नहीं, वो खुद महात्मा गांधी ही थे। काम के मामले में गांधी जी बहुत सख्त थे, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी ढील पसंद नहीं थी। और एक दिन राजनीतिक सम्मेलन से रात 10 बजे लौटकर भी वे अपना काम सारा कमरा साफ कर रहे थे। पर गांधी जी को बच्चों से बहुत प्यार था। उनका मानना था कि बच्चों के विकास के लिए, बच्चे की अच्छी परवरिश के लिए माता-पिता का प्यार और उनकी देखभाल बहुत ज्यादा जरूरी है। अफ्रीका में जेल से छूटने के बाद उन्होंने देखा जो उनकी मित्र की पत्नी है वह बहुत ही दुबली पतली और कमजोर हो गई थी, और उन्होंने उनसे पूछा और गांधी जी को पता चला कि जो उनकी मित्र की पत्नी है उनका बच्चा उनका दूध पीना नहीं छोड़ रहा, उन्होंने हर तरह के प्रयत्न को कर लिया है। उसके बाद महात्मा गांधी जी ने 1 महीने तक उस बच्चे को अपने पास सुलाया, और इस प्रकार उसने अपनी माँ का दूध उसकी माँ का दूध उसे पिलाना छुड़वा दिया। गांधी जी सदैव अपने से बड़ों का आदर करते हैं और वो बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। दक्षिण अफ्रीका में जब गोखले जी गांधी जी के साथ रह रहे थे, गांधी जी उनका सारा काम खुद ही करते थे, अपने आप ही करते थे। आश्रम में किसी को भी रखने की आवश्यकता होती तो वो किसी हरिजन को रखने का आग्रह करते थे, और वो उनका मानना था कि हमें नौकरों के साथ नौकरों जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे हमें अपने भाई के समान रखना चाहिए। और उन्होंने इंग्लैंड में यह चीज देखी थी, इंग्लैंड में देखा था कि जो ऊंचे घरानों के लोग होते हैं वे नौकरों को अपने परिवार के सदस्य के समान ही रखते हैं। ठीक है बच्चों, यहीं पर ये हमारा पाठ समाप्त होता है आज की वीडियो के लिए। इस वीडियो के लिए इतना ही, अगली वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तरों को करने वाले हैं। चलिए बच्चों, इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।